नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आपने तो ये बात सुनी ही होगी कि लोगों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, बच्चों को अक्सर कीड़े हो जाते हैं, फिर बच्चे चाहे जितना भी खाते हों वो सूखते ही जाते हैं, ना तो ही उनका शारीरिक विकास हो पाता है जिससे मानसिक विकास में भी अवरोध उत्पन्न होता है, ऐसे में बच्चे के भविष्य पे खतरा मंडराने लगता है। इस बात को कैसे पता किया जाए कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं? अगर आपके बच्चे को नींद नहीं आती और वो रात में दांत को जबरदस्ती रगड़ता है तो हो सकता है उस बच्चे के पेट में कीड़े हों। अगर आपका बच्चा टाइम से खाना खाता है और दूध का भी सेवन करता है तो उसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है तो आप उसे कीड़े की दवा जरूर दें, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं है तो आप भी इसे अपना सकते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे की सेहत कीड़ों के कारण ही खराब हो। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पेट के कीड़े होते क्यों हैं, और ये कीड़े ऐसे भी होते हैं जो आँखों से नहीं दिखते। ये कीड़े अमीबा के आकार के हो सकते हैं या कद्दू के दाने के जैसे। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है दूषित जल। दूषित जल के माध्यम से ये कीड़े हमारे पेट में पहुँच जाते हैं। मांसाहार के ग्रहण करने पर भी वो कुछ कीड़े हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, या फिर नंगे पैर गंदी जगहों पर चलने से भी कीड़े हमारे पेट के अंदर पहुंच जाते हैं। कभी कभी जानबूझकर भी कीड़े पैदा किए जाते हैं। दो दो दिन तक शौच न जाने पर मल हमारे अंदर सड़ता रहता है जिससे कीड़े पैदे हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसकी औषधि क्या है जिससे पेट के कीड़े दूर हो सकें। पहली औषधि है बायवीडिंग, जो पपीते के बीज की तरह होता है। यह हमें पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। दूसरा है अजवाइन, यानी कि बायवीडिंग और अजवाइन मिलाकर एक चम्मच करीब पंखी लगाएं। काला नमक भी मिलाया जा सकता है। बायवीडिंग और अजवाइन के मिश्रण से बना हुआ चूर्ण सुबह और शाम एक एक चम्मच लेने से पेट के कीड़े मर जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। बायवीडिंग के नाम से ही बाजार में भी चूर्ण आता है, जिसे बिंडिगासन बाजार में भी आता है, उसे भी ले सकते हैं। एक सीसी का सेवन करें और पेट के सारे कीड़े या फिर उनके अंडे मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो ये थे कुछ उपाय जिससे आप पेट के कीड़ों से निजात पा सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो जानकारी दी गई है ये आयुर्वेद के आधार पे दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।